सुने जैसे जनता द्वारा चुने पार्षद है और वो जैसे वो पत्रों को तोड़ते हैं, शहर का विकास कार्य में बाधा डालते हैं, बिल्कुल भी बात, लेकिन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी इसका दोषी होगा उससे सख्त से सख्त कार्रवाई। उनका मेरे पास फोन आया कि भाई दोष है एमसी कि भाई हम इसको तोड़ेंगे। एमी के पास उसकी चैटिंग भी है और फोन भी आया है, उसने खुद एमी ने बताया, मैंने आपको पूछा उसके पास फोन आया है, उसने कहा कि हम तोड़ेंगे इनको, विकास नहीं होना चाहिए। सर वो तो कानून जो भी वेरिफिकेशन होगी फुटेज में निकलेगी जो निकलेगी तो इंक्वायरी होगी, कानून जो करेगा उसके तहत जो भी दोषी होगा उससे सजा मिलेगी। सर जगह पत्थर तोड़ने से विकास रुकेगा? एक मान लो बिच्छू हम तो डंक मारने का होता है, अगर हम बिच्छू से उम्मीद रखे भाई ये क्यों अच्छा काम करेगा तो हमारी मूर्खता है। जिसके उन्होंने ये हरकत की है वो ऐसी कुछ घिनौनी हरकत है। ये स्टैंडर्ड ये है कि पहले तो खुद क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन विधायक जी जब खुद लेके आए काम अब पीछे ब्रेकर बनवाए जो भी है, चलो ये है कि अब झूठी प्रशंसा चाहिए, क्रेडिट चाहिए वो नहीं मिलेगा, जिसने काम किया उसी को क्रेडिट जाना, लोगों को परेशान करके ये हमारे काम को अच्छे से बनना नहीं देना चाहते, वो काम में अरोड़ा डालना चाहते हैं ताकि पब्लिक परेशान हो। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी खबर है, जैसा कि पुराना बस स्टैंड पर लगातार जो घटनाएं होती रहती थी और ऐसे में वहां पर ब्रेकर भी बन गए, लेकिन रेड लाइट की के लिए वहां पर सबसे बड़ी मांग थी, जो रेड लाइट है उसके लिए NHAI मंजूर नहीं कर रहा था, जिसको लेकर विधायक और जो मुकेश मिर्दा है नगर परिषद प्रधान, उन्होंने मिलकर इसको मंजूरी लेकर आए और मंजूरी के बाद यहां पर आज शिलान्यास किया गया है। देख सकते हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा, मुकेश मिर्दा जी और शशिकांत जी, इनके कर कमलों के द्वारा आज शिलान्यास किया गया है। आज की खबर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हम विधायक और मुकेश मेहता जी से बातचीत करना चाहेंगे इस मामले को लेकर, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी के द्वारा आज उद्घाटन किया जाएगा, पहुंचे हैं ये पर्सन है वो भी यहां पर, और साथ में मुकेश मिर्दा जी जो चेयरमैन है नरवाना से, रामनिवास सुरजाखेड़ा जी पहुंचे हैं विधायक के शिलान्यास करने के लिए, जो और स्वागत किया जा रहा है आप देख सकते हैं, स्वागत किया जा रहा है। चीज ले तो हाँ प्रसाद ने पुरानी मांगे थी ये, सर इसके बारे में बताना चाहेंगे? ये तो बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि यहाँ काफी जो चौक था एक्सीडेंट भी काफी हुए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और इसका रिकॉर्ड भी है कि पीछे भी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, नौजवान की डेथ हुई, तो कम से कम हमारा भी इसमें पूरा प्रयास था कि तीन चार जगह चाहिए हमें कम से कम। तो एक तो हमारे पुराना बस स्टैंड की थी, एक नया बस स्टैंड की है और एक मिनी सेक्ट्रेट की, एक हरियर की है, और दो तीन मेरे ख्याल शहर की भी, एक तो अपना बुल्लो चौक पे शेर मिलता और एक अपना मेरे ख्याल लक्ष्मी सिंह शहीद भगत सिंह राम रहा है, और एक अपना वहाँ मंडी में रोशनी परली साइड में, तीन और है, लेकिन तीन हमारी पास हो चुके हैं और तीन नए टेंडर लग चुके हैं और खुल भी गए हैं, और ठेकेदार आज इनका शिलान्यास भी हमारे साथ, जो नरवाना नगर परिषद के चेयरमैन है हमारे मुकेश जी मिर्दा जी और मिल प्रधान जी हमारे, और वाइस चेयरमैन शशिकांत शर्मा जी है, और हमारे एमसी साहब है, चैन साहब है, बिल्कुल और जितने हमारे सारे साथी हैं, आज शहर में बड़ा आज उत्साह का है विषय है कि वे आज लाइटें जितनी पुरानी मांग थी हमारे जिनसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नाव सी एम अनाउंसमेंट के तहत आज हमने तीन लाइटों का शिलान्यास करने जा रहे हैं, एक का इजाम होंगे दो आंख और है, तो इसमें बहुत अच्छा मैसेज है कि बहुत पुरानी मांग थी और इससे काफ़ी फायदा होगा, और शहर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे NH की में दिक्कत आई थी, क्योंकि NH में ना इसमें परमिशन की दिक्कत है, क्योंकि NH में परमिशन नहीं देते लाइटों की, हमें बड़ा आंकड़े दिखा गया चेयरमैन साहब बना रहा हमारे पूरे सबके प्रयासों से, जितने भी पूरे शहर की जितना ऊपर शहर है चेयरमैन,
नुशी लेके फिर सभी आके प्रक्रिया करी। प्रक्रिया लेने के बाद आज का सिलाया से उसका शहर में बहुत अच्छा। विधायक जी क्या लगता है कि जो लाइट लगने से कितना तो फायदा होगा और कितनी घटनाओं पर अंकुश लगेगा? बहुत सारा, सारा का सारा अंकुश लगेगा। अच्छा जी, बहुत फायदा होगा शहर को, क्योंकि कई बार तो जैसे स्कूलिंग छुट्टी हो जाती है, कॉलेज की है और रोड है, दिक्कत होती है। जैसे हमारा हॉस्पिटल है, बुलेट रोड से आते हैं तो काफ़ी दिक्कत है, लेकिन इससे बहुत सारा फायदा मिला है जनता। विधायक जी एक और बात सुनने में आई थी कि जो शिलालेख इस पत्थर का गया कहीं ना कहीं उसको पहले तोड़ा भी गया, ऐसा कुछ सुनने में आया, क्या कुछ मामला है उसके बारे में? ये अच्छी बात है, शहर का विकास हो। हाँ, ये देखो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सीएम के तहत हमारी अपील थी, यहाँ बहुत जरूरी है तो हमें कराया, लेकिन कुछ ही नगर परिषद का जो सदस्य है, ठीक है, उनको चाहिए तो विकास के कार्य को साथ चलना, लेकिन ये अच्छी सोच नहीं है। मैं तो इसको नहीं कहूँगा अच्छी सोच नहीं है कि पत्थर को तोड़ना, कोई बातचीत है तो बैठ कर समाधान किया जाता है, कोई बात है, कोई मन में क्या बात है, चेयरमैन साहब है हमारे साथ में, बिल्कुल हम ही बता सकते हैं, तो बैठ कर ऐसी कोई बात नहीं जिसका नहीं समाधान निकाल है। लेकिन ये एक अच्छी सोच, मतलब जो चुने जैसे जनता द्वारा चुने पार्षद है और वो जैसे वो पत्थरों को तोड़ते हैं, शहर का विकास कार्य में बाधा डालते हैं, बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी इसका दोषी होगा उससे सख्त से कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, क्या कुछ हमारे इसके पीछे मकसद क्या है? ये हमारे एम ई है नगर परिषद के रमन जी, उनका मेरे पास फोन आया कि भाई आशु एम सी है और हमको दम कहाँ लग रहा है कि भाई हम इसको तोड़ेंगे। वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर दो। उसका तीन पड़ता है, तो एम ई के पास उसकी चैटिंग भी है और फोन भी आया है, उसने खुद एम ई ने बताया, मैंने अभी पूछा, कह रही हाँ जी हमें धमकी भी दे रहा था कि हम तोड़े। क्या है सर उस चैटिंग के अंदर, कोई धमकी है सर? वो तो एम ई के पास फोन आया है, उसने कहा कि भी हम तोड़ेंगे इनको, हम विकास नहीं होने देंगे। फिलहाल एक व्यक्ति का नाम आया क्या जी? क्या व्यक्ति के द्वारा किया गया? देखो फोन एक व्यक्ति का आया, लेकिन चैटिंग उसमें चार पाँच है। क्या लगता है सर क्या मकसद रहेगा? पाँच है, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? वो तो कानून जो भी वेरिफिकेशन होगी, फुटेज में निकलेगी, जो निकलेगी, जो इंक्वायरी होगी, कानून जो करेगा उसके तहत जो भी दोषी होगा उससे मिलेगी। सर क्या है सर ऐसा करने से मकसद? विकास कार्य में आप अग्रसर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोटा डाल रहे हैं। मकसद ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये तो पब्लिक का फैसला है, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता का फैसला होता है कि कौन किसकी सरकार आएगी, कौन मुखिया बनाएगा, लेकिन जो अच्छे काम कराएगी जनता उसी को चुनेगी, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आने के बाद ना तो चेयरमैन साहब कोई काम कर सके विकास का शहर का, और ना विधायक कर सके शहर का काम, भाई हमने कोई टोड़ा नहीं लगने देना। कल तक अभी भी कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने नरवाना की कुछ कॉमन डेवलपमेंट वर्क के लिए कुछ टेंडर लगाए ओपन हुए, उनके खिलाफ भी वहाँ नारेबाजी हुई है। चेयरमैन साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हैं, उनको शहर का विकास के लिए साथ देना चाहिए, उन्हें नारेबाजी लगाना चाहिए, धरना में बैठते हैं बोलते सर उसने भी। हाँ एम सी बैठे थे, क्यों चेयरमैन क्यों टेंडर लगाए? आप जैसे शहर के लिए इतने, शहर को सबको फायदा मिलेगा और लाइटें लगने लगी है, तो ये अच्छी बड़ी मांग थी सर, पूरा शहर की मांग थी और हादसे होने लग रहे थे, काफी अच्छे हुए, तो इस तरह की अच्छी पॉलिटिकल हमला है क्या सर? ये पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल का भी कोई एक सिस्टम होता है कहने सुनने का, अगर कोई चीज है पॉलिटिकली भी इसको बैठ कर कोई धरना करे, कोई बैठ है, कोई बात कर रहा है, कुछ और करे, चेयरमैन साहब अगर नेम से बात है वहां से बैठे सारे बैठकर समाधान भी कर सकते हैं। विधायक जी किसी भी, अगर विधायक की बात करें, किसी मंत्री की बात करें या किसी पार्षद, जनता इसलिए चुनती है कि वो क्या विकास कर सके, लेकिन लिए तो नरवाना के लिए तो यहाँ कोई अधिकारी भी रह के राजी नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ अधिकारी ने टिकने नहीं देते, और टिकने ना तो किसी ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नरवाना का विकास ही नहीं चाहते होना। अच्छा जी, कहीं विधायक या चेयरमैन का नाम ना हो जाए? बिल्कुल है, चेयरमैन साहब खड़े हैं, चेयरमैन साहब ने अभी टेंडर लगाए हैं, शहर के लगाए, चेयरमैन साहब ने कोई अपने पर्सन थोड़े लगाए हैं, जो शहर के जो वार्ड वाइज जिसकी मांग थी भाई ये काम हो रहे हैं, चेयरमैन साहब ने उनकी सबके वार्ड वाइज जितने एमसी थे सबसे बातचीत करके मैं अपने अपनी डिमांड ले और अपने अपनी जो बातें हैं काम की हैं वो जो टॉपरेटिव उन्होंने तो जितना अपने पास में डॉक्टर लगाएंगे कराएंगे काम, विकास कराएंगे, विकास के लिए बनाए हैं, तो ये उनके लिए भी मतलब इन्होंने नारेबाजी की। और आज सर ऐसे देखे कि आज दोबारा पत्थर लगाया है और वो लगाए हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि चेयरमैन से भी करे, जनता करे, जो कानून है वो कानून तो अपना काम करेगा। अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की है, हरियाणा प्रदेश के मुखिया की है,
तो सीएम अनाउंसमेंट के जो काम को तोड़ेगा वही करेगा तो अच्छी बात नहीं है। तो काम मुख्यमंत्री की इम्पैक्ट बेइज्जती की गई है मुख्यमंत्री को छोटी सोच है ये मुख्यमंत्री की थोड़े है, तो कानून अपना काम करेगा। तो क्या आपको क्या लगता है पत्थर तोड़ने से विकास रुकेगा बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा सर। हमारे चेयरमैन खड़े हैं तो बिल्कुल और दौड़ेगा बिल्कुल जनता देखने लग रही है कौन क्या काम भी होना दे रहे। ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये हमारे शहर की बहुत पुरानी डिमांड थी और ये हमारा नए साल पर शहर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और हम बहुत खुश हैं। इससे जो इतने हादसे हो रहे थे जान मान की हानि हो रही थी इसमें बहुत कमी आई और यहाँ पर जैसे स्टेडियम है कॉलेज है बच्चे सड़क क्रॉस करते थे उनको भी बहुत दिक्कत होती थी और अब उनको सड़क क्रॉस करने में सुविधा मिलेगी। ठीक है का सहयोग है। पुरानी डिमांड थी जो सड़क हादसे हो रहे थे ये सीएम साहब से मिले मिलकर इन्होंने लाइट के लिए गुजारिश की एनएच से परमिशन लेके आए और ये हमारे को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और मैं विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये प्रोजेक्ट लेके आए नरवाना के लिए और इससे हमारे यहाँ आमजन की सुविधा होगी। यहाँ मेडिकल है स्कूल है कॉलेज है आईटीआई है ये मेन चौराहा है इस पर हादसे होने का ज़्यादा खतरा था और पंजाब साइड से जो सड़क हैवी व्हीकल आते थे वो यहाँ रुक नहीं पाते थे तो इसके लिए मैं विधायक जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने ये हरकत की है वो ऐसी कोई घिनौनी हरकत है बेइज्जती किसी की उनकी हुई है जिन्होंने एक हरकत की है। विकास विकास जिन एमसी का यहाँ पर नाम आया है वो तो खुद रेड लाइट लगवाने के लिए यहाँ पर धरने पे बैठे थे लेकिन अब जब शिलान्यास हुआ उसको वो तोड़ रहे हैं तो डबल स्टैंडर्ड कैसे देख पा रहे हैं? ये स्टैंडर्ड ये है कि पहले तो खुद क्रेडिट लेना चाहते थे लेकिन विधायक जी जब खुद लेके आए हैं काम रेड लाइट है आ गई विधायक जी लेके आए हैं लेकिन ये है कि अब झूठी प्रशंसा चाहिए क्रेडिट चाहिए वो नहीं मिलेगा जिसने काम किया उसी को क्रेडिट जाना चाहिए। विधायक जी ने काम किया विधायक जी को क्रेडिट है इस बात का। और एक बात हो रहा है वो ये चाहते हैं कि आदरणीय मिर्दा साहब जो हैं हमारे चेयरपर्सन हैं और विधायक जी हैं ये काम ना करें यहाँ पे ताकि आने वाले टाइम में नरवाना की शहर की पब्लिक परेशान हो और वो एक धड़े की राजनीति कर रहे हैं एक पार्टी की राजनीति कर रहे हैं ताकि उस पार्टी का लाभ हो लोगों को परेशान करके ये हमारे काम को अच्छे से बदला नहीं देना चाहते वो काम में अरोड़ा डालना चाहते हैं ताकि पब्लिक परेशान हो और उनको आगे उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में और लाभ मिल सके और हम लोगों के खिलाफ हम तीन लोग जो हैं और हमारे जो कुछ पार्षद साथी हैं उनके खिलाफ एक तरह का प्रयास कर रहे हैं कि काम नहीं होने देंगे। अब शहर में एक साथ सभी जगह पर काम नहीं होगा कभी कहीं पर कभी कहीं पर जो टेंडर लगाए हमने तो वो जिस रोड की ज्यादा दूर थी वहां लगाए हैं वो होने भी चाहिए नेचुरल सी बात है एक साथ सभी काम नहीं होंगे। हाँ हम प्रयास कर रहे हैं अगर उनका कोई काम रहता है तो हम उनका काम करने की कोशिश करेंगे। जो बड़ी समस्या थी उसको यहाँ पर सोलो सुलझाया तो अब किस तरह से देखते हो आज ये ट्रैफिक लाइट लगी थी? ट्रैफिक लाइट लगने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ जिस चौक के ऊपर हम खड़े हैं यहाँ पे 5-6 मौत हो चुकी है मतलब ये कुछ तो ये जो प्रतिमा लगी है महात्मा गांधी जी की ये थोड़े लंबे हिसाब से लगाई हुई है नीचे जो स्टैचू है उसकी वजह से मेन रोड दिखाई नहीं देता और यहाँ काफी मतलब एक्सीडेंट हो गए कई जवान मौत भी हुई है ये सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए हमारे नरवा के बहादुर विधायक का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें नेशनल हाईवे पर मंजूरी दिलवाई मुख्यमंत्री जी से मिलकर मंजूरी दिलवाई गई है। हमने तो केवल मात्र नरवाना नगर पालिका पास किया है प्रस्ताव पास किया और रेजोल्यूशन डाला हमारा तो इतना ही काम है ऊपर से परमिशन दिलवाई जो चंडीगढ़ से नेशनल हाईवे परमिशन बड़ा मुश्किल काम है उसमें विधायक जी ने दिलवाई है। विधायक जी हमारे बहुत इस टाइम बहुत अच्छे कार्य करने जा रहे हैं एक हमारी आवाज भी एक्शन उठाई है मैं उस बात से बड़ा प्रभावित हूँ विधायक जी से। इन्होंने हमारे नरवाना का 1970 में नगर पालिका एरिया बढ़ा था उसके बाद नगर पालिका की सीमा अब तक नहीं बढ़ी तो विधानसभा के अंदर विधायक जी ने आवाज उठाई ये भी बहुत सराहनीय कार्य किए विधायक जी ने और क्या नाम जो हमारे सीवरेज के मामले में विधायक जी ने जो प्रयास किया वो सबके आपके सबके सामने है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा ऐसे ही नरवाना के लिए काम करते रहे बिल्कुल सच बोल रहे हैं बहुत ही बढ़िया हमारे विधायक। आपको नहीं लगता बड़ी सरकार और छोटी सरकार मिलकर काम करेंगे कहीं ना कहीं नरवाना एक नंबर वन जगह पर जाएगा? मैं विधायक जी के साथ खड़े हैं चंदे से कंधा मिला विधायक जी के साथ खड़े हैं और विधायक जी ऐसे काम करते रहे और परमात्मा चाहे को दोबारा फिर विधायक बढ़ा के लेके आएंगे। सर काम के विकास में जो रोड डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? सर वो अपने अपने कर्म होते हैं मतलब अगर मान लो मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पर किसी नाम तो नहीं लूंगा एक मान लो बिच्छू अगर हमको डंक मारने का होता है अगर हम बिच्छू से उम्मीद रखें भाई ये क्यों अच्छा काम करेगा तो हमारी मूर्खता है
जिसके जो कर्म होते हैं वो इंसान वही कर्म करता है। तो जनता का भी चेयरपर्सन है मुकेश मेहता जी, हमारे साथ प्रधान जी खड़े हैं लक्ष्मी मेहता जी, और पूरे चेयरमैन हमारे शशिकांत शर्मा जी, हमारे बबलू एम सी हैं, शेरा चैला और हमारे जितने हैं और बहुत सारे हमारे अच्छे जितने भी दारू जितने नरवाना शहर ने इतने अच्छे अच्छे एम सी ने अच्छे इतने बड़े चेयरपर्सन भी हैं जो नरवाना विकास के लिए कुछ इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं लोगों को छोड़ कर, लेकिन उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सब मिलजुल कर सबकी एक ही सोच है कि नरवाना का विकास। तो आपको नहीं लगता है कि हाथी अपनी चाल चलेगा, चाहे नीचे चीटी हो चाहे कुछ भी है, वो चाहे कि कुछ करे धन्यवाद। नरवाना के विधायक के द्वारा आज ट्रैफिक लाइट का शिलान्यास यहां पर किया गया है। ये देख सकते हैं पुराना बस स्टैंड है जहां पर ट्रैफिक लाइट का शिलान्यास किया गया है। और आपकी इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। तो नरवाना के विधायक और मुकेश मिर्दा, नरवाना की चेयरपर्सन जो मुकेश मिर्दा जी पहुंची थी और आज नरवाना के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया और लगातार नरवाना के अंदर कई उद्घाटन किए जाएंगे। आपकी क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।